कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए पहुंचे। यहां पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर लिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी का मेकओवर कर दिया गया है। उनकी नई तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। राहुल गांधी ने 170 दिनों बाद अपनी दाढ़ी और मूंछ ट्रिम करवाई और वो सूट बूट में नजर आए। हालांकि उनके नए लुक पर बीजेपी नेता ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो जैसा देश और वैसा भेष धारण कर लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे कहा, चोला नया है लेकिन इनका झोला वही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो के तौर पर राहुल गांधी ने 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर लेक्चर दिया। लेक्चर के दौरान राहुल ने तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, भारत जोड़ो यात्रा, दो अलग अलग विचारधाराएं और वैश्विक बातचीत के लिए एक अनिवार्यता। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उसके बाद से उन्होंने दाढ़ी बाल नहीं कटवाए। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त हुई थी। बाल दाढ़ी के साथ साथ राहुल गांधी अपने सफेद टी शर्ट को लेकर भी चर्चा में बने हुए थे। कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी ने सिर्फ टी शर्ट पहनी। इस पर बीजेपी के नेताओं ने उन्हें ड्रामेबाज कहा था। गौरतलब है कि राहुल गांधी सितंबर 2022 से एक ही लुक में थे और इतने लंबे समय के बाद राहुल गांधी का मेकओवर अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है।